हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल एवन जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड कोकोनट्स बॉल्स। इसे बनाना किस तरीका से ये मैं आपको बताती हूँ। ब्रेड और नारियल के ये बॉल्स बनाने के लिए मुझे चाहिए ये ब्रेड, जिसे मैंने साइड से इसका कट कर लिया है, इसका साइड काट कर रखा है। और ये एक नारियल है जिसे मैंने मिक्सी जार में हल्का सा इसे दरदरा कर लिया है। और ये है मेरे घर की बनी हुई रबड़ी जैसी, दूध को मैंने सुखा कर ये बनाया है। और थोड़ी सी चीनी 3 चम्मच और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट, ये 8-10 काजू है और थोड़े से पिस्ता है, ये 8-10 बादाम है। ये इसके अंदर गैस का फ्लेम मैं ऑन कर रही हूँ। देखिए इसे बनानी है जैसे हम लोग समोसा मोसा में नारियल डाल बनाते हैं, बस उसी तरह से इसे बनानी है। हल्का सा ये लाल हो जाए तो इसमें शक्कर डाल देनी है हमें, ये बहुत अच्छी बनती है। आप एक बार इसे बना कर खाइए ज़रूर घर पे। ये रमज़ान में भी बहुत अच्छी लगती है, ये स्नैक्स है। शाम में मेरे घर में अगर कुछ भी नाश्ते में नहीं होता तो मेरे हस्बैंड बोलते ये बनाना, ये उनका फेवरेट डिश है, उन्हें बहुत पसंद है ये। आप भी बना कर खाइए, उम्मीद है आपको भी अच्छी लगेगी। अगर आपको हमारे ये डिश अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसमें थोड़ी सी शक्कर मैं डालूँगी, ये 3 चम्मच है दोस्तों, ये 3 चम्मच चीनी ये मैं डाल दूँगी। चीनी इसमें कम देना है क्योंकि वो मैं जो अलग से बना कर रखी हूँ घर में, वो रबड़ी वो इसमें डलेगी, वो ऑलरेडी थोड़ी मीठी होती है, इसीलिए इसमें चीनी कम जाती है। ज़्यादा मीठा अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा मीठा ख़राब हो जाता फिर। इसमें नारियल की मिठास है, थोड़ी सी चीनी है, प्लस इसमें ये खोया डालूंगी मैं, वो भी मीठा है। सबको मिलाकर हल्की सी मीठी होती है, ये देखिए ऐसे ये गोल्डन होने तक इसे भूननी है। गोल्डन होते होते ये भून गई। अब इसमें हमें ये जो रबड़ी मैंने रखी घर पे, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ड्राई फ्रूट है ये सब इसके अंदर, ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसे, 5 मिनट इस तरह सिर्फ नारियल को ब्राउन करने तक, और 5 मिनट ये मावा डालकर इसे 5 मिनट, 10 मिनट में ये बन जाती है। ये रेडी हो गया, अब इसे ठंडी होने तक मुझे वेट करनी है। ठंडी होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसे किस तरह बनानी है। ये देखिए मेरे नारियल का जो पेस्ट मैंने बनाया था ये ठंडी हो गई है, और मैंने एक कढ़ाई में तेल देकर इसे छोड़ दिया चूल्हे में। ये देखिए हमारा तेल जब तक गर्म हो रहा है जब तक मैं इसे बना लेती हूँ। ये देखिए ये ब्रेड ली और ये पानी में डाला ऐसा, इसे खूब अच्छा तरीक़े से इसका पानी निकाल लेना है। देखिए पानी निकल गया इसके अंदर, ये इसे अच्छी तरीक़े से इसे पैक कर देंगे इस तरीके से।
ये पूरी लॉक हो गई है, अभी कहीं से भी कुछ नज़र नहीं आ रही है। देखिए इसके अंदर नारियल है, मावा है, कुछ भी नज़र नहीं आ रही। ये पूरी सील पैक। मैं एक और आपको बना कर दिखा दे रही हूँ। इसे पानी में इसे डालना, सूख करना है। इसका पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेनी है। उसके बाद ये स्टफिंग इसके अंदर और इसे सील कर देनी इस तरीक़े से। ये देखिए ये इस तरीक़े से। ठीक है, इसकी जगह आप कीमा भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप चिकन भी डाल सकते हो। इसमें कुछ भी स्टफिंग करके आप बना सकते हैं। एक और बार आप देख लें। देखिए इसके अंदर इस तरीके से आपको फोल्ड करनी है। ये देखिए सब तरीके से ये देखिए फोल्ड हो गया इसके अंदर। ये अब इसको धीरे धीरे हल्की हाथों से इसे इस तरीके से दबाइए। इसके अंदर जितनी भी पानी होंगी वो सब बाहर निकल आएगी धीरे धीरे हल्के हाथों से। अगर आपको मीठा में खाना तो नारियल और ये खोया डालकर बनाइए, अगर आपको तीखा में खाना तो आप कीमा, चिकन का कीमा, बीफ कीमा या मटन कीमा कुछ भी इसके अंदर स्टफिंग करके आप बना के खा सकते हैं। बस इसके बाद इसे हमें गरम ऑयल में इसे फ्राई करनी है। हमारा ऑयल गरम हो गया, अब इसके अंदर मैं इसे डालूंगी फ्राई करने के लिए। मैं इसे डालकर 2 मिनट तक इसे छेड़ना नहीं है। ये एक साइड थोड़ी हार्ड हो जाए उसके बाद हमें इसे पलटना है। इसे उलट पलट कर हमें सुनहरे होने तक इसे फ्राई करनी है। ये शाम के वक्त आप स्नैक के तौर पे बना के खा सकते हैं। ये घर पे अच्छे लगते बना के खाने में। आप खा कर देखिए, आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलिए। अगर बेल आइकन के बटन आप दबाएंगे तो हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है दोस्तों। इसे ये हो गया दोस्तों हमारा। ये देखिए ये गोल्डन कलर, ये देखिए कहीं से फटा कहीं से भी नहीं फटा। देखिए ये देखिए सब तरफ से पैक है। ये देखिए देखिए ये बनकर हमारी रेडी हो गई है। देखिए बिल्कुल रेडी है। बस इसे गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी पिस्ता और बादाम से मैं गार्निशिंग कर रही हूँ। ये बहुत क्रिस्पी होती है। इसे मैंने बगैर कोटिंग की इसे बनाई, डायरेक्ट आपने देखा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है। देखिए इसकी स्टफिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।